जी हाँ, आज बात करी जाएगी सुपर कमांडर ध्रुव के बारे में। अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया ये पात्र सुपर कमांडर ध्रुव 1986 से सभी कॉमिक्स पाठकों के दिलों पर राज कर रहा है। अनुपम सिन्हा जी ने इसका सब कुछ बनाया, मतलब आर्ट भी उनका था, स्टोरी भी उनकी होती थी, शायद लिखते भी हुए थे, कलर भी करते थे, सब कुछ वही करते थे। शुरुआत में इसी तरीके से आर्टिस्ट काम किया करते थे। ये पहली कॉमिक्स है प्रतिशोध की ज्वाला। इससे लेकर के आज तक की कॉमिक्स, जो लेटेस्ट कॉमिक्स आई है सुपर कमांडर ध्रुव की शक्ति रूपा, तो उसमें भी अनुपम सिन्हा जी अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो पेंसिलिंग का काम हो या अदर कोई काम हो। पर ये कि थोड़ा बहुत उनके काम को उभारने के लिए या काम में हाथ बटाने के लिए अब काफ़ी अदर हैंड शामिल हो गए हैं। इंकिंग कोई और करते हैं, कलरिंग कोई और करते हैं, जिससे काम काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होता है। तो सुपर कमांडर ध्रुव की कल्पना अनुपम सिन्हा जी के अलावा करना काफ़ी मुश्किल होता है। पर कुछ ऐसे कॉमिक्स आए, क्योंकि बदलाव जो है वो एक जीवन का नियम है, ऐसा होता ही है, तो राज कॉमिक्स में कुछ बदलाव देखने को मिले। और ये कुछ कॉमिक्स हैं जो हमको ईयर 2010 के आसपास या उसके बाद हमको देखने को मिली, जो जिस पर जो है अनुपम सिन्हा जी का काम देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि नागायण एक ऐसी महाग्रंथ था, एक ऐसी महासीरीज थी जिसमें अनुपम सिन्हा जी काफ़ी व्यस्त हो गए थे, और नागराज हो या सुपर कमांडर ध्रुव, उनके सिंगल इशूज़ को फैंस मिस कर रहे थे। तो ये कुछ इशूज़ रखे हुए इधर जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे इशूज़ रखे हुए, ये हैं वो इशूज़ जो अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाए, और इन पर काम जो है वो हेमंत कुमार जी का आप ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब मैंने इनमें से केवल पहले एक शो स्टॉपर पढ़ी हुई थी, क्योंकि शो स्टॉपर जो है वो लॉकडाउन के समय अवेलेबल थी स्टॉक में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स पर, और दिसंबर 2020 तक या 21 तक काफ़ी अवेलेबल थी ये कॉमिक्स, ये पढ़ी हुई थी खाली। बाकी ये सारी कॉमिक्स अभी रिप्रिंट हुई है राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से, सेट 9, 8, and 10 उनमें आई हैं ये कॉमिक्स सारी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स है, कौन कौन सी मैंने पढ़ी। तो सबसे पहली बात तो मैं बात करूँगा जीनियस की। तो जीनियस ऐसा कॉमिक्स है जो अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाया, और इसमें चित्रकार भी नए हैं कोई, सिद्धार्थ पंवार जी। तो सिद्धार्थ पंवार जी का चित्रांकन है, और अभिषेक सागर जी हैं कोई फ़ैन है जिन्होंने बहुत शानदार स्टोरीज़ लिखी हैं, एक नहीं दो तीन स्टोरीज उन्होंने लिखी, और जिनको राज कॉमिक्स में अडॉप्ट भी करा गया, तो उनकी ये सीरीज़ है। तो जीनियस में एक ऐसे बच्चे की कहानी है, देखिए, जो काफ़ी जीनियस होता है, और 12 साल की उम्र में 12वीं क्लास को पास कर जाता है, और वो एक देशभक्त ऑफिसर का बेटा होता है। तो इस तरीके के इसमें घटनाक्रम जुड़ते हैं कि उसके पिता की जो है, उसके पिता शहीद हो जाते हैं, और उनका रखरखाव एक उनके अंकल देखते हैं, मम्मी देखती है, और अपनी प्रतिभा के बल पर वो बच्चा काफ़ी आगे बढ़ता है। किस प्रकार से वो गैजेट्स बना लेता है, खुद एक सुपर हीरो में तब्दील हो जाता है, जिसका नाम जीनियस होता है, और किस तरीके से सुपर कमांडर ध्रुव इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, या सुपर कमांडर ध्रुव के वो आड़े आता है या फिर उसकी हेल्प लेता है, वो स्टोरी उसमें दिखा रखी है। और इस स्टोरी में जो है एंड में जीनियस ख़त्म होता दिखाया गया है। इस स्टोरी में 2 पार्ट की स्टोरी है। इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया गया डेड और अलाइव। इसका जो कवर है वो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे नीलम लिखा हुआ है, तो ऐसे सिग्नेचर वही किया करते थे। और इसमें अंदर जो आर्ट है वो हेमंत कुमार जी का है। जी हाँ, तो सिद्धार्थ पंवार जी का आर्ट सिर्फ इसी में, और थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि जब आप अनुपम सिन्हा जी की चित्रकारी देखते हो, पर इतना बुरा भी नहीं है। अगर हम इसको इंडिविजुअल देखें तो ठीक ठाक सा आर्ट है, पर इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है कि भाई जो सुपर कमांडर ध्रुव के लेवल का हो। सेकेंड कॉमिक्स में आर्ट चेंज किया गया, हेमंत कुमार जी जो कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट बन चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वही संभाल रहे हैं। इवन 2020 तक भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सर्वनायक, सर्वनायक विस्तार, नारकनाशक नागराज है, आतंकर्ता नागराज है, वो सारा वही संभाल रहे थे। तो उनका चित्रांकन है, स्टोरी आगे बढ़ती है, जीनियस की बैक स्टोरी पता लगती है, और वर्तमान में किस तरीके से उसका बनाया हुआ वेपन आतंकवादियों के हाथ लग सकता है, ऐसा कुछ दिखा रखा है इसमें। और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लास्ट में काफ़ी चीज़ें रिवील होती हैं, और अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के देशभक्त आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सुपर कमांडर ध्रुव भी एक होता है, जीनियस भी होता है, और भी अदिति एक लड़की होती है, वो भी होती है, प्लस एक राघवन करके पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी। तो एक अच्छी 2 पार्ट की स्टोरी बनाई गई, तो थोड़ी लीक से हटकर गए, आपको अलग टेस्ट देगी इन सब, अगर आप सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स को याद करोगे। इवन ये जो कॉमिक्स है ना, ये जो रखी हुई आखिरी ध्रुव, ध्रुविष्य, स्टेचू गेम, और ये तो हालांकि अनुपम जी ने ही बनाई है, लेकिन फिर भी मैं इनको उस कैटेगरी में, तो कई बार मेंटली मेरे वो उस कैटेगरी में आ जाती हैं ये कॉमिक्स, क्योंकि इनमें ट्रेडिशनल आर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, इंकिंग जगदीश कुमार जी की देखने को मिलती है, और उस समय आदत नहीं थी, पहले सिर्फ अनुपम विनोद जी की इंकिंग या अनुपम मिठल जी की इंकिंग की आदत थी। जो भी इनिशियली जुड़े थे प्रोजेक्ट से, जो भी लोग, सारे के सारे अब लेजेंडरी आर्टिस्ट बन चुके हैं। तो खैर, एक और 2 पार्ट की सीरीज मेरे को अच्छी लगी, और इसमें ना इसका हेमंत कुमार जी का आर्ट हमको चरम पे देखने को मिला, अल्टर ईगो और एक्स, बहुत शानदार इसमें आर्ट था। स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, स्टोरी में वैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा जैसे आपको ध्रुव हत्यारा में देखने को मिला था, सजाए मौत में देखने को मिला था। एक जो थीम होती है कि भाई सुपर कमांडर ध्रुव हत्यारा है, इस तरीके की थीम आगे बढ़ती है। देखिए, ध्रुव हत्यारा है,
और शहनशाह। और इस तरीके की स्टोरीज कई बार आई हैं शुभ्रकर्ण ध्रुव में, कि ध्रुव को हत्यारा साबित करने की कोशिश करी गई है, या फिर जो है उसके भविष्य से कोई आ गया है, जैसे कि ध्रुविष्य और आखिरी ध्रुव में ऐसा हुआ था। इवन रोबोट एक स्टोरी आई थी 2 पार्ट सीरीज, उसमें आया था। तो इस तरीके की स्टोरीज हमने कई बार देखी है शुभ्रकर्ण ध्रुव में, पर ये थोड़ी सी अलग हटके हैं, क्योंकि एक तो अनुपम जी ने नहीं बनाई है, हेमंत जी ने बनाई है, और इनका जो लेखक है शायद वो भी वही है पहले वाले, अभिषेक जी, अभिषेक सागर जी ने काफ़ी अलग अलग स्टोरी दी है। इसका आर्ट भी काफ़ी अच्छा है, कलरिंग भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा अलग डार्क डार्क सा कलर वगैरह है, तो एक शानदार इसमें दिखा रखा। तो इसमें दिखा रहा है कि जो शुभ्रकर्ण ध्रुव का प्रिंसिपल है कि वो किसी की जान नहीं लेता, तो इसमें ऐसा ही होता है, कुछ अपराधियों की वो कुछ स्टोरी दिखाते हैं, छोटी छोटी स्टोरी, जिसमें अपराधी को छोड़ देता है पुलिस के लिए, लेकिन क्योंकि उस छोड़ने की वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है। तो शुभ्रकर्ण ध्रुव के मन में काफ़ी हलचल मचती है कि जो उसके सिद्धांत थे आज तक वो गलत थे सही थे, और वो अपने आप से जूझ रहा होता है। फिर बाद में ऐसा भी होता है कि शुभ्रकर्ण ध्रुव लोगों को मारना शुरू कर देता है, ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इस अंतर्द्वंद से निकलने के लिए अब अपराधियों को डोगा की तरह ट्रीट करता है, कि जड़ से ख़त्म कर देता है। फिर शुभ्रकर्ण ध्रुव का दावा ऐसा होता है कि नहीं, वो शुभ्रकर्ण ध्रुव नहीं था, कोई उसका हमशक्ल था, देखिए उसका हमशक्ल भी दिखाया गया है, जो कि उसका अल्टर ईगो हो सकता है, वो इसमें दिखाने की कोशिश करेगी। फिर एक्स में जो है स्टोरी आगे बढ़ती है, तो शुभ्रकर्ण ध्रुव के अनुसार वो दूसरा है ध्रुव की तरह दिखने वाला एक्स, और बाकी लोग ऐसे समझते हैं, जिसमें ऋचा भी शामिल है, ब्लैक कैट या डॉक्टर वगैरह को शामिल है, कि शुभ्रकर्ण ध्रुव मेंटली इस चीज़ में फंसा हुआ है। ये जो पेपर प्रिंटिंग हुई है, मनोज गुप्ता जी ने थोड़ी सी अलग इसमें ग्लोसी पेपर यूज़ करें, इसमें मैट पेपर यूज़ करें, दोनों में प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, पर ये ग्लोसी अलग लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, इसमें आपको संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट का एहसास होगा। तो स्टोरी आगे बढ़ती है, और स्टोरी आगे बढ़ती है, और थोड़े डेडली हमले वगैरह होते हैं एक्स के बारे में, और भी आसपास के कैरेक्टर्स रिवील होते हैं कि ये कुछ रोबोट टाइप के, और कुछ आपको ध्रुव से जैसा एहसास होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाद में बहुत अच्छे से ये सीक्रेट रिवील होता है, किस तरीके से उसकी शक्ल ध्रुव से मिलती है, और शुभ्रकर्ण ध्रुव को इस तरह से तौली में भी दिखाया गया है, इसमें कभी भी ध्रुव को ऐसे देखने को नहीं मिला। तो हेमंत कुमार जी के आर्ट के साथ में एक शानदार स्टोरी है जो आपको देखने को मिलती है, अगेन 2 पार्ट की सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये। इसी के साथ एक सिंगल शॉट कॉमिक्स है, नितिन मिश्रा जी का लिखी हुई एक सिंगल शॉट कॉमिक्स है, थोड़ा मल्टी स्टार टाइप का है, इसमें गेम्स वगैरह को लेकर के हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, सिंपल सी स्टोरी है। तो ये कुछ ऐसी कॉमिक्स हैं जो शुभ्रकर्ण ध्रुव के जो स्पेशल सेट्स पब्लिश हुए हैं अभी मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उनमें शामिल करी गई हैं, लेकिन मेरे को कुछ खास इतनी पसंद, मतलब वो एक अनुपम सिन्हा जी वाला फील नहीं देती, लेकिन हाँ आपका कलेक्शन पूरा करना है तो आप इसको ले सकते हैं। स्पेशल्स एक अलग, अगर स्टैंडर्ड कॉमिक्स है, इसमें भी ग्लोसी पेज है, तो जो शुभ्रकर्ण ध्रुव के रिप्रिंट्स अभी आए थे मनोज गुप्ता जी वाले, उनमें से एक्स और स्पेशल्स कंप्लीट ग्लोसी में है, बाकियों से अलग होकर के। स्पेशल्स में थोड़ा सा ना आपको एंथनी वाली कॉमिक्स है या थ्रिलर वाली कॉमिक्स का फ्लेवर मिलेगा, हालांकि ध्रुव इसमें है, और इसमें हेमंत कुमार जी का ओनली कवर है, अंदर हेमंत जी का आर्टवर्क नहीं है, अंदर आर्टवर्क इनका है, देख लेते हैं। नितिन मिश्रा जी की स्टोरी है, सुनील पासवान जी का चित्रांकन, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टेस्ट लिए हुए कॉमिक्स है। तो इसमें हेलोवीन टाइप का दिखाते हैं, कुछ तांत्रिक वांत्रिक से, तो इसमें एक विलन फिट बैठता है वुडू, जो ध्रुव की पहले कॉमिक्स में आ चुका है, वुडू नाम की कॉमिक्स आ चुकी है, 32 जनरल कॉमिक्स से कई बार हो चुकी है, तो वो विलन का कमबैक होता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर आपको थोड़ा सा मुझे थ्रिलर टाइप का फील लगा, ध्रुव की कॉमिक्स का फील नहीं लगा। तो मेरा छोटा सा डिस्कशन था इन कॉमिक्स को लेकर के, आशा है कि आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में।